भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका डेंगू को रोकने के लिए सक्षम दिखाई दे रही है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका वैद्य के अधिकारी द्वारा जगह जगह अब मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के वार्ड क्रमांक बंगालपुरा समस्त क्षेत्र के बंगले पर, जहां पर वहां के स्थानीय नगर सेवक साफ मोमिन के सहयोग से एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आरोग्य विभाग की ओर से किया गया। हम आपको बता दें कि बढ़ते डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए महानगर पालिका द्वारा सभी क्षेत्रों में अब धुआंकरण, साथ ही साथ साफ सफाई को लेकर बैनर, पैम्पलेट और प्रचार हेतु कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं पर अब मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है। इस मेडिकल कैंप में आपको बता दें कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, बुखार व कई ऐसी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए यहाँ पर फ्री में दवाइयाँ दी गई। डॉक्टरों की टीम यहाँ पर उपस्थित थी। विशेष तौर पर आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आरोग्य विभाग के उपायुक्त नैना ससाने भी इस मेडिकल कैंप में पहुंची, जहां पर उन्होंने हमारे चैनल से वार्तालाप किया और डेंगू के प्रकोप को किस तरह से रोका जाए उसकी जानकारी दी। और वहां के स्थानीय नगर सेवक साफ मोमिन का उन्होंने आभार प्रकट किया कि इस तरह के मेडिकल कैंप में उन्होंने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर महानगर पालिका का सहयोग किया। देखिए इस खास रिपोर्ट को। जी बिल्कुल, अब यहाँ पे भिवंडी महानगर पालिका की तरफ से और हमारे वैद्यकीय विभाग की तरफ से कैंप लगाया गया है, और जहाँ पे हमारे सम्माननीय नगर सेवक मोमिन जी है, हमारे डॉक्टर साहब है और उनके जो असिस्टेंट सब है, तो यहाँ पे 4-5 दिन से अवेयरनेस बहुत अच्छे से हुआ है। हमारे CSI SI सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, और भिवंडी शहर में जो भी भिवंडी शहर के साथ ही महाराष्ट्र में पूरे जो बारिश की वजह से या जो बारिश बढ़ गई है उसकी वजह से डेंगू का या बाकी फीवर्स का जो प्रकोप हुआ है उसको रुकाने के लिए या उसके ऊपर का हेजिटेट करने के लिए हम सभी तरह से कोशिश कर रहे हैं, और उसी का ये नतीजा है कि हमने कैंप्स हर जगह पे लगाए, और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने कैंप का सहयोग उठाया है, उसका फ़ायदा उठाया है। बच्चों के साथ महिलाएँ भी काफ़ी तरह से दिख रही है, मेरे ख्याल से 300 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं उपस्थित है, उसकी फ़ायदा ले रहे हैं, और उसके साथ जो भी हम मेडिसिंस का भी जो स्टॉक है पूरी तरह से हम कॉरपोरेशन ने दिया हुआ है ताकि लोगों को कोई किसी तरह की असुविधा नहीं हो। और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है इस बात की कि यहाँ के जो हमारे सम्माननीय सदस्य भी है वो भी बढ़ चढ़ के लोगों के लिए हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। उनके जो कार्यकर्ता वगैरह भी है वो भी काफ़ी अच्छे से सहयोग कर रहे हैं, और स्पेशली मैं कहूँगी कि हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, डॉक्टर्स है हमारे, इवन डॉक्टर दूल्हे है जो अभी काफ़ी कैंप के आयोजन कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से हमारे सम्माननीय नगर सेवक जो है कि उनके सहयोग से कुछ और कैंप का भी हम लोग आयोजन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसी तरह से लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और लोगों ने ये कैंप में जो भी मतलब मेरे ख्याल से डेंगू का तो यहाँ पे कोई पेशेंट कंफर्म नहीं हुआ है, जो भी अभी टेस्ट कर रहे हैं उसमें संशयित है तो उसको कंफर्म करके बाद में तो रिपोर्ट मिल ही जाएगी, लेकिन बाकी के भी जो है फीवर की या मलेरिया वगैरह जैसे हो या छोटे मोटी बीमारी है कफ वगैरह की तो उसके भी मेडिसिन हम लोगों ने रखे। देखिए इस कैंप की जो इन्फॉर्मेशन थी मुझको आरोग्य डिपार्टमेंट से 4-5 दिन पहले मिली थी कि हमको आपके एरिया में कैंप रखने का है, तो उसी तरीके से तैयारियां भी स्टार्ट थी। मैं चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाए। अभी तक यहाँ पर डेंगू का सिर्फ इस कैंप में तो नहीं, लेकिन पिछले 2 दिनों में ये समझ में आया कि 2 पेशेंट इस एरिया में डेंगू के पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि यहाँ पर जो मेडिसिन बांटी जा रही है वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में ना पेशेंट्स की काउंसलिंग भी हो रही है कि डेंगू से बचा कैसे जा सकता है। देखिए जिम्मेदारी काफ़ी हद तक कॉरपोरेशन की रहती है और काफ़ी हद तक हमारी पर्सनल जिम्मेदारी भी रहती है कि हमारे आसपास का एरिया साफ़ सुथरा रहे जिसकी वजह से बीमारी ना हो, और डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो साफ़ पानी की वजह से होती है। अगर साफ़ पानी बहुत दिन तक किसी जगह पर जमा है तो उसमें डेंगू का मच्छर पैदा हो सकता है, वो गंदे पानी में पैदा नहीं हो सकता। तो ये बातें बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, जैसे घर के बाहर जो पौधे की कुंडी हो गई, फूटा हुआ मटका, ड्रम जिसमें बहुत दिन से पानी रखा हुआ है, फ्रिज के नीचे जो पानी जमा रहता है, कूलर के नीचे जो पानी जमा रहता है, इसमें डेंगू होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए जो चीज़ें लोगों को मालूम नहीं है, ये अगर हम लोगों को प्लानिंग करने का और मौका मिलता है तो मैं चाह रहा था कि
हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑडियो विजुअल भी साथ साथ में चले कि एक तरफ कैंप चले और एक तरफ ऐसा प्रेजेंटेशन टाइप का चले जो लोगों को बता सके कि डेंगू से बचा कैसे जा सकता है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कॉरपोरेशन का, DMC नैना मैडम का, कि इन लोग ये जो कैंप्स अरेंज हुए और इन्होंने मुझको आश्वासन दिलाया कि इस तरीके के कैंप्स और 3-4 हम लोग प्लान करेंगे जिसकी वजह से बीमारियों का फैलना कम। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ TV News। धन्यवाद।